भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत। तुम में से कोई इस श्लोक को दोहरा सकता है? मैं दोहरा सकता हूं ब्राह्मण देवता। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तका भूतस्य जागृत प्रतिरेक आसीत। वाह, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? मैं कर्ण, राधेय कर्ण, और मैं आपसे चारों वेद की शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। और वेद सीखने की दक्षिणा क्या दोगे वत्स? जो कुछ मेरे पास है सब आपको सौंपता हूं, कृपा करके मुझे वेद ज्ञान दे दीजिए। वेदों का संबंध संपत्ति से नहीं है वत्स, श्रुति और स्मृति से है। तुम्हारी श्रुति और स्मृति दोनों में कोई खोट नहीं है। सीखने की लगन और निष्ठा तुम्हारे मुख पर है। मैं तुम्हें वेद ज्ञान अवश्य दूंगा कर्ण। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। अब स्नान करके आओ कर्ण, अभ्यास प्रारंभ करने का समय आ गया है। ओम आदित्य वसो रुद्र विश्वे देवा मरुद्रणा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। वेदारंभ से पूर्व शुद्धिकरण आवश्यक होता है वत्स। तन तो स्नान के साथ शुद्ध हो चुका है, मन की शुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। जैसा मैं कहूं दोहराते जाना। ओम भूर्भुवः श्वः दोहराओ कर्ण। सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तुम स्वस्थ तो हो न कर्ण? यह
इससे अधिक स्वस्थ, आज से अधिक आतुर और आज से अधिक प्रस्तुत ये कर्ण कभी नहीं था गुरुवर। आप वेद पाठ प्रारंभ कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। प्रातःकाल का सत्र संपन्न हुआ कर अब थोड़े विश्राम के पश्चात दूसरे प्रहर में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं अपनी श्रुति और स्मृति का अभ्यास करूंगा गुरुवर। कर्ण, तुम्हारी मेधा के कारण पहले से ही आश्रम के शेष विद्यार्थी तुमसे ईर्ष्या करने लगे। इतने कम समय में इतना कुछ सीखना चाहते हो, ऐसी शीघ्रता क्यों? एक महान गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान बहती नदी की भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ बहना होता है, और मेरी दृष्टि से देखो तो उस नदी में इस समय ज्वार आया है गुरुवर। पार जाने के लिए मुझे ज्वार के वेग से बहना होगा। अवश्य ही वो बड़े महान गुरु होंगे, तभी इतनी महान युक्ति कही। कौन है वो गुरु, क्या सीखा उनसे तुमने? है एक महान गुरु जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, परंतु उनसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य उन्हीं से जाना है।